बीफ पार्टी देने वाले एमएलए की विधानसभा में पिटाई। जम्मू कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए की बीजेपी विधायकों ने पिटाई कर दी। इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद ने कल बीफ पार्टी दी थी, जिससे बीजेपी नाराज है। बीफ वाले बयान पर मोदी ने लालू पर किया वार। लालू के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के मुंगेर में पीएम ने कहा कि शैतान को लालू का एड्रेस कहां से मिला। नीतीश पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जेपी का समर्थन करने वाले लोग आज कांग्रेस का पानी पी पी कर हमें कोस रहे हैं। ये शैतान को यही एड्रेस कहां से मिल पाया, ये मुझे समझ नहीं आया। ये मेरे मन में सवाल है भाई। उसको हिंदुस्तान में, दुनिया में शैतान को कोई ठिकाना नहीं मिला, यही ठिकाना मिला। गुलाम अली को केजरीवाल सरकार ने दिया न्योता। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का 10 अक्टूबर को पुणे का शो भी रद्द हो गया है। इस मामले में बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया है कि क्या हिंदू सऊदी अरब बनता जा रहा है भारत। वहीं दिल्ली सरकार ने गुलाम अली को दिल्ली में शो करने के लिए इन्वाइट किया है। जल्द फाइटर प्लेन उड़ाएंगी विमेन पायलट्स। 83rd एयरफोर्स डे पर एयरफोर्स चीफ अरूप राहा ने ऐलान किया कि फोर्स के लड़ाकू दस्ते में वुमेन पायलट्स भी जल्द ही शामिल की जाएंगी। इस समारोह में ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी शामिल हुए। हाई कोर्ट से राधे मां को मिली अग्रिम जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दहेज के लिए उकसाने के मामले में राधे मां की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कल सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया था। कोलकाता में क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज तीसरा और आखिरी T20 मैच है। धोनी ब्रिगेड इसे हर हाल में जीत कर खोया हुआ कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहेगी। अब नजर डालते हैं आज के शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।